लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी हुआ है, तो आपको ये पैक भी साथ में लेके जाना है और साथ में ये लेंटिक्यूल जरूर लेना है, क्योंकि ये इकलौता प्रूफ है इस बात का कि आपकी लेंटिक्यूल सर्जरी हुई है। The information shared in this video is curated from available open sources and contains my personal interpretations. This should not be confused with scientific advice or a doctor's clinical advice. Hello everyone, मैं हूं डॉक्टर प्रख्यात रूप। मैं एक्यूरा विजन क्लिनिक्स रूप नेत्रालय में कैटरैक्ट, कॉर्निया और रिफ्रैक्टिव सर्जरी का स्पेशलिस्ट हूं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्लैपलेस सर्जरीज के बारे में। आप लोगों ने आज की डेट में 2024 में अगर आप इंटरनेट पे देखें चश्मा हटाने की लेटेस्ट लेजर टेक्नोलॉजी क्या है, तो आपको नाम सुनने को मिलेंगे स्माइल, सिल्क, क्लियर, स्मार्ट साइट, लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी या फ्लैपलेस सर्जरी। ये फ्लैपलेस सर्जरी को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है पेशेंट्स में कि फ्लैपलेस सर्जरी हमारी हुई या नहीं हुई, ये कैसे पता चलेगा। मेरे साथ ये बहुत कॉमनली होता है कि पेशेंट्स कंफ्यूज होकर मुझसे ये सवाल पूछते हैं। तो आज हम आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं, दो तीन ऐसी चीजें आपको बताएंगे जिनसे आपको मेक श्योर करना है कि आप फ्लैपलेस सर्जरी ही करा रहे हैं। एक तरह का आपके लिए ये प्रूफ है कि आपकी फ्लैपलेस सर्जरी ही हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन। सबसे पहली बात जो आपको समझनी है वो ये है कि चश्मा हटाने के दो तरह के लेजर्स होते हैं। एक होता है एक्साइमर लेजर और दूसरा होता है फेमटोसेकेंड लेजर। जो एक्साइमर लेजर होता है वो लेसिक की मशीन है, और जो फेमटोसेकेंड लेजर होता है वो दो काम कर सकता है। वो या तो फ्लैप बनाने का काम करेगा जो कि ब्लेड फ्री फ्लैप कहलाता है, या फिर चश्मे का नंबर हटाने की जो लेटेस्ट फ्लैपलेस टेक्निक है जिसको हम लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी बोलते हैं, उसका काम करेगा, जिसको बेसिकली हम नो कट सर्जरी भी कभी कहा करते थे। तो अगर हम फ्लैप बेस्ड प्रोसीजर कराने वाले हैं उसमें हम या तो दो मशीन्स पे लेटेंगे, पहले हम फेमटोसेकेंड लेजर का फ्लैप बनाएंगे जो कि फेमटो मशीन से बनेगा, और दूसरे में हम एक्साइमर लेजर मशीन के नीचे लेटेंगे जहां फ्लैप को उठाने के बाद जो एक्स्ट्रा नंबर हमारी आंख की पुतली में है उसे लेजर की किरणों से, एक्साइमर लेजर की किरणों से जलाकर वेपर बना दिया जाएगा, यानी हवा में एकदम इवेपोरेट हो जाएगा वो, और उसके बाद फ्लैप को वापस रख दिया जाएगा। तो ये तरीका है फ्लैप बेस्ड प्रोसीजर को करने का, जिसमें हम या तो दो मशीन्स के नीचे लेटेंगे, एक मशीन फेमटोसेकेंड लेजर की मशीन जो फ्लैप बना देगी, दूसरी मशीन एक्साइमर की मशीन जो नंबर हटा देगी, या फिर हम एक ही मशीन के नीचे लेटेंगे और पहले आंख के ऊपर ब्लेड चलेगा जिसको हम माइक्रोकेरेटोम बोलते हैं, और उसके बाद फ्लैप को लिफ्ट करके नंबर हटाया जाएगा। तो यानी कि फ्लैप बेस्ड प्रोसीजर में दो मशीन्स का इस्तेमाल होता है, हमें एक लाइट को देखते रहना होता है, और नंबर को हटाने का जो काम है वो दूर से मशीन करती है लेजर की किरणों से। पूरे टाइम हमें एक लाइट के टारगेट को देखना होता है, तो लाल रंग की या हरे रंग की लाइट होती है जिसको हमें डॉट को देखते रहना होता है। ये होता है फ्लैप बेस्ड प्रोसीजर। इसमें मशीन का लेजर दूर से आता है, कुछ कुछ आवाजें भी सुनाई देती हैं हमें लेजर के चलने की, और उसके बाद जब फ्लैप वापस रख दिया जाता है तो हमारी विजन एकदम से क्लियर होने लगती है। इसको अगर हम देखें कंपेयर टू लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी, तो लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी में सिंगल मशीन का इस्तेमाल होता है, जहां पे हम मशीन के नीचे जाकर लेटते हैं, मशीन का एक सक्शन रिंग आके आंख को टच करता है और उसके बाद लाइट बंद हो जाती है। इसके बाद फेमटोसेकेंड लेजर दो बार काम करता है, एक बार आगे का कट लगाता है, एक बार पीछे का कट लगाता है, और एक कॉर्निया के एक हिस्से को, यानी आंख की पुतली के एक हिस्से को बाकी हिस्से से सेपरेट कर देता है। इस पार्ट को हम लेंटिक्यूल बोलते हैं, और इसको हम आंख में से निकाल लेते हैं बाहर एक छोटी सी पॉकेट के रास्ते से।
और इसीलिए इस सर्जरी को फ्लैपलेस सर्जरी कहते हैं या ऑल फेम्टो सर्जरी कहते हैं, यानी कि इसमें एक ही लेजर का इस्तेमाल हुआ, वो है फेम्टो सेकेंड लेजर। इसको लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी कहा जाता है और ये फ्लैपलेस प्रोसीजर होता है। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम अपने सर्जरी के एक्सपीरियंस को कंपेयर करें तो फ्लैप बेस्ड सर्जरी जो होती है, चाहे आपको कोई किसी भी नाम से बोल रहा हो, और ये बहुत कॉमनली होता है कि हमें लगता है कि हमारी कोई सर्जरी होने आ रही है और हो रही होती है कोई और सर्जरी, और हो जाने के बाद हमें पता चलता है कि हमारी तो ये नहीं दूसरी सर्जरी हुई है। तो एक्सपीरियंस से ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी फ्लैप बेस सर्जरी हुई है या फ्लैपलेस सर्जरी हुई है। अगर आपकी फ्लैप बेस सर्जरी या लेसिक, कॉन्टूरा, स्मार्ट लेसिक ये हुआ है, तो इसमें आपको दो मशीन के नीचे लेटना होगा। एक मशीन में सक्शन रिंग आके आंख पे लगेगा, लाइट बंद होगी, उसके बाद आप दूसरी मशीन पे जाके लेटेंगे और वहां पर फ्लैप लिफ्ट करके लेजर डाला जाएगा जिसमें कुछ आवाजें सुनाई देंगी और हर वक्त एक लाइट का डॉट दिखता रहेगा और उसके बाद आपका प्रोसीजर खत्म होगा। अगर आप लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी करेंगे, जो कि लेटेस्ट टेक्निक है चश्मा हटाने की, तो उसमें आपका एक ही मशीन के नीचे काम होगा, जिस मशीन में आप आंख को सक्शन रिंग से सक्शन डेवलप करके अंधेरा किया जाएगा, उसके बाद लेंटिक्यूल बनेगा और लेंटिक्यूल हटने के बाद वहीं पे उसी मशीन पे लेंटिक्यूल को रिमूव किया जाता है, जिससे कि टोटल सर्जरी का प्रोसीजर खत्म हो जाता है और आपका जो चश्मे का नंबर था वो जीरो हो जाता है। तो ये एक सिंगल स्टेप का प्रोसीजर होता है, टू स्टेप का प्रोसीजर नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कि ये कंफ्यूजन क्यों होता है कि हमने एक फ्लैप बेस सर्जरी या लेसिक कराया है या कॉन्टूरा कराया है या हमने स्माइल कराया है, क्लियर कराया है, सिल्क कराया है। तो अगर हम मशीन्स के नाम की बात करें तो मैं आपको एक एक करके चारों फेम्टो सेकेंड लेजर्स का नाम बताता हूं जो फ्लैप भी बनाते हैं और साथ में लेंटिक्यूल भी बनाते हैं। तो सबसे पहले जो हम नाम लेंगे वो जायस की मशीन है जो विजू मैक्स के नाम से आती है, और ये विजू मैक्स मशीन दोनों काम करती है, ये लेसिक का फ्लैप भी बनाती है और ये स्माइल का लेंटिक्यूल भी बनाती है। इसी तरह से जो जीमर की मशीन है फेम्टो एलडीवी जेड 8, ये मशीन फ्लैप भी बनाती है लेसिक का और क्लियर का लेंटिक्यूल भी बनाती है। ऐसे ही जो जॉनसन एंड जॉनसन की मशीन है इलीटा, वो मशीन फ्लैप भी बनाती है और साथ ही ये मशीन लेंटिक्यूल भी बनाती है जिसको सिल्क के नाम से मार्केट किया जाता है। इसी तरह से श्विंड की मशीन है एटॉस, जो उनका फेम्टो सेकेंड लेजर है, जो कि अगेन फ्लैप भी बनाता है और साथ ही ये लेंटिक्यूल सर्जरी जिसको स्मार्ट साइट का नाम दिया गया है वो भी बनाता है। तो ये सारी फेम्टो सेकेंड लेजर मशीन्स अगर आपकी आंख में इस्तेमाल हुई हैं, तो इसका डायरेक्टली ये मतलब नहीं है कि आपका लेंटिक्यूल सर्जरी हुई है। आप इस बारे में बहुत सतर्क रहें कि आपकी लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी में सिंगल स्टेप में सर्जरी होगी और हम आपको प्रूफ के लिए आपके आंख से निकला हुआ लेंटिक्यूल भी देते हैं। हमारे सेंटर में अगर आप क्लियर प्रोसीजर करा रहे हैं, जो कि लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी की लेटेस्ट टेक्निक है, तो आपको अपने साथ जाते टाइम तीन चीजें लेके जानी है। एक तो आपका जो डिस्चार्ज कार्ड और पोस्ट ऑप इंस्ट्रक्शंस हैं, जो हम आपको एक कार्ड देंगे जिसमें आपकी दवाइयां लिखी हैं और हम आपको समझाएंगे कि ये दवाइयां आपको कैसे कैसे डालनी है। ये आपकी पूरी पोस्ट ऑपरेटिव डिस्चार्ज कार्ड और पोस्ट ऑपरेटिव किट होती है, ये आपको लेनी होती है। साथ में हम आपको ये लेंटिक्यूल देंगे। ये लेंटिक्यूल आप देख सकते हैं, इसको हमने डाई करके कलर कर दिया है ताकि आप इसको अच्छे से देख पाए। तो आप देख सकते हैं ये वो पार्ट है आपके कॉर्निया का जो हमने लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी में आपकी आंख में से ही निकाला है। ये आपके आंख के कॉर्निया का एक्स्ट्रा नंबर है जिसको हमने रिमूव किया है।
तो ये दोनों आंखों के लेंटिक्यूल्स को हम ऐसे प्रिजर्व करके आपको देते हैं, क्योंकि ये इस बात का सॉलिड प्रूफ है कि आपकी लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी हुई है। अगर आपकी लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी नहीं हुई है तो आपको ये मिल ही नहीं सकता। तीसरी चीज जो आपको लेके जानी है वो है ये पैक, ये पेशेंट इंटरफेस सिंगल यूज डिस्पोजेबल पैक होता है जो हम हमारी सर्जरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हम आपको ये दे रहे हैं तो ये दो केसेस में आपको मिलेगा। एक है अगर हमने आपका ब्लेड फ्री स्मार्ट लेसिक किया है, यानी कि बिना ब्लेड के फ्लैप बनाया है जो कि इस पीआई को यूज करके ही बनता है, तो भी आपको यह डिस्पोजेबल पैक मिलेगा। और अगर हमने आपका लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी किया है तो भी आपको यह पैक मिलेगा। तो अगर आपका ब्लेड फ्री लेसिक हो रहा है, चाहे वो कॉन्टूरा है चाहे वो कोई से भी नाम से आपको प्रोसीजर कहा जा रहा है, तो आपको ये पैक मिलेगा। अगर आपका ब्लेड वाला प्रोसीजर हो रहा है आपको ये पैक भी नहीं मिलेगा, यानी कि ये यूज नहीं हुआ है। ब्लेड वाले प्रोसीजर में कुछ नहीं पता चलेगा आपको, कोई चीज आपको नहीं मिलेगी, आपका नंबर हटेगा, बस प्रूफ आपके पास कुछ नहीं होगा कि कौन से टाइप का प्रोसीजर हुआ है। अगर आप जाते हैं ब्लेड फ्री प्रोसीजर पे तो आपको ये पैक हमेशा अपने साथ लेके जाना है, क्योंकि ये इस बात का एविडेंस है कि ये कंज्यूमेबल पैक फ्रेश था, आपके लिए यूज किया गया है और अब इसके बाद ये यूजेबल नहीं बचा है, तो इसलिए हम ये आप ही को दे देंगे। और अगर आपका लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी हुआ है, माइंड यू लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी हुआ है, तो आपको ये पैक भी साथ में लेके जाना है और साथ में ये लेंटिक्यूल जरूर लेना है, क्योंकि ये इकलौता प्रूफ है इस बात का कि आपकी लेंटिक्यूल सर्जरी हुई है। तो अगर आप सिल्क, स्माइल, क्लियर या स्मार्ट साइट करा रहे हैं तो आपको ये लेंटिक्यूल जरूर कलेक्ट करना है, क्योंकि ये प्रूफ है इस बात का कि ये आपका चश्मे का एक्स्ट्रा नंबर था। और ये एक मोमेंटो भी रहता है आपके लिए, आप इसको देख के सोच सकते हैं कि कितनी छोटी सी चीज है जो आपको इतना ज्यादा नजर का धुंधलापन पैदा करती थी। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को कुछ क्लैरिटी मिली है। लास्ट में एक मिनट में मैं समराइज करूंगा सारी की सारी इन फाइंडिंग्स को। तो अगर हम एक्सपीरियंस के हिसाब से देखें तो ब्लेड फ्री लेसिक या ब्लेड फ्री कॉन्टूरा या ब्लेड फ्री स्मार्ट लेसिक या लेंटिक्यूल सर्जरी यानी कि क्लियर या उसके जो और सिमिलर नामों से अब कंपनीज ला रही हैं, यानी कि स्माइल प्रो या सिल्क या स्मार्ट साइट, इन दोनों को कंपेयर करूंगा। तो ब्लेड फ्री लेसिक के अंदर आपको फेमटोसेकेंड लेजर मशीन के नीचे लेटाएंगे, अंधेरा होगा, उसके बाद सेकेंड मशीन के नीचे लेटाएंगे, वहां पर अंधेरा नहीं होगा, कुछ आवाजें सुनाई दे सकती हैं और एक लाइट का डॉट दिखता रहेगा। ये हुआ टू स्टेप प्रोसीजर। जो आपका लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी है उसमें आपको फेमटोसेकेंड लेजर मशीन के नीचे लेटाएंगे, अंधेरा होगा और उसके बाद वहीं पर लेंटिक्यूल को रिमूव करा जाएगा और आपका नंबर हट जाएगा। ये हुआ सिंगल स्टेप प्रोसीजर। अगर हम ब्लेड फ्री लेसिक की बात करें तो उसमें आपको प्रूफ के तौर पर ये कंज्यूमेबल पैक मिलेगा जो बताता है कि आपने फेमटोसेकेंड लेजर से फ्लैप बनवाया है, ना कि ब्लेड से। इसके अलावा आपके पास कोई और सॉलिड प्रूफ नहीं है और आपको जरूरत भी नहीं है। अगर आप लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी करा रहे हैं, यानी कि अगर आपने क्लियर, स्माइल, सिल्क या स्मार्ट साइट कराया है, तो आपको साथ में मिलेगा ये लेंटिक्यूल जिसके अंदर आपके एक्स्ट्रा नंबर है, बेसिकली जो आपका एक्स्ट्रा कॉर्निया में नंबर था वो ये है, और ये साथ में इस पैक के इस बात का प्रूफ है, दोनों चीजें मिलाकर, कि आपका लेंटिक्यूल सर्जरी हुआ है। केवल ये पैक ये नहीं प्रूफ करता कि आपकी लेंटिक्यूल सर्जरी हुई है, आपका फ्लैप भी बना हो सकता है, तो ये बात को जरूर ध्यान रखिएगा। आशा करता हूं कि आप सब लोगों को कुछ क्लैरिटी मिली कि फ्लैप बेस्ड सर्जरीज कैसे करी जाती हैं सेम मशीन से जिससे लेंटिक्यूल सर्जरी भी करी जाती है, और इन दोनों में क्या फर्क होता है। हमारे साथ बने रहिएगा, हम ऐसा ही कंटेंट आपके कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए लाते रहेंगे।
प्लीज इसको शेयर करें अपने फ्रेंड से जो चश्मा हटाने के प्रोसीजर्स को फ्यूचर में कराने वाले हैं, ताकि उनको भी क्लैरिटी आए कि कौन से प्रोसीजर 2024 में लेटेस्ट हैं और उनको कैसे किया जाता है। थैंक यू।